ये देखिए पुलिस वहां पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश हुई है लेकिन जब वो नहीं माने वो तो कहते थे पीसफुली होगा, उन्होंने लाठीचार्ज करवा दो। लाठीचार्ज तो पीसफुली है सर, हमारे तो हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, फिर तो लाठीचार्ज क्यों किया गया। ठीक ओके सर। अब ये देखिए यहाँ पर हिंदू संगठनों का ये दावा था कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में यहाँ पर पत्थरबाजी कैसे हो गई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में यहाँ पर पुलिस पर हमला क्यों हो गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में यहाँ पर बैरिकेड्स क्यों तोड़े गए, कई सारे सवाल हैं। अभी भी लाठी चार्ज वहां पर हो रहा है या फिर वहां से भीड़ तितर बितर हुई है? ओके जी, कमलदीप आवाज आप तक पहुंच रही है? कमलदीप, पुलिस ने वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है, वहां से हट चुके हैं क्योंकि आपने कहा कि 100 मीटर की दूरी दिखा रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, जब मस्जिद के बेहद करीब पहुंच गई थी ये भीड़ प्रदर्शनकारियों की, बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिस ने समझाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और फिर पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया भीड़ को वहां से खदेड़ने के लिए। ये देखिए उसी वक्त की ये तस्वीर है और उसके बाद यहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है। पुलिस ने सबसे पहले टनल के पास वहां पर रोकने की कोशिश की थी प्रदर्शनकारियों को, लेकिन वहां से बैरिकेड तोड़कर वो भीड़ इस एरिया में दाखिल हो गई। कमलदीप, इस वक्त क्या चल रहा है वहां बताएं। समीक्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीक्षा, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर जहां पर कैसे थे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, वो वहीं पर पथराव जो कैसे थे लोगों की तरफ से पुलिस पर किया गया था जिसके चलते कमलदीप आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं वहां पर क्या देख रहे हैं इस वक्त आप वहां पर? बिल्कुल आप देख सकते तस्वीर में देख सकते कि जो लोग आए थे जिन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था उन लोगों को पुलिस ने जहां से भगा तो दिया पर ज़्यादा दूर तक नहीं भगा पाई पुलिस, क्योंकि उनकी ओर से जो बैरिकेटिंग थी वो बैरिकेटिंग तोड़ दी गई थी भीड़ की ओर से। और उसके बाद अब जो प्रदर्शन है कह सकते कि लोगों की तरफ से वहीं पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है जहां पर लोग पहले थे। और इस समय अगर मस्जिद की दूरी देखी जाए जहाँ से जिस समय से प्रदर्शन हो रहा है वहाँ से वहाँ आप प्रदर्शन देख सकते हो, इसके बिल्कुल सामने जहाँ पर आपको मस्जिद है इसकी इस बिल्डिंग की बैक साइड पर मस्जिद है जहाँ पर कह सकते हैं कि जे नज़दीक पहुँच चुके हैं लोग,
और जहां से लेकर पूरे लाइन में देखेंगे तो जो बारी गिनती में जो सुरक्षा बल है जो वहां पर वो जहां पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आप प्रशासन के कुछ सीनियर जो कह सकते हैं ऑफिसर है वो वहां पर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उनको जहां से हटाया जा सके ताकि कानून वो अपने हाथ में ना ले, पर अभी तक उनकी ओर से जो प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है पुलिस की ओर से उनको शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दो गाड़ी जो कह सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो जहां पर पहुंच चुकी है, उसके अगर बात की जाए बैरिकेटिंग की लेयर एक लगा दी गई है और जो सुरक्षा बल वो जहां पर बुला लिए गए हैं। और कुछ समय पहले जब कह सकते हैं बैरिकेटिंग लगाई गई थी तभी कह सकते हैं कि कुछ लोगों की तरफ से पथराव किया गया था, जो पथराव सीधा लोगों के ऊपर हुआ पुलिस के ऊपर हुआ था और उस पथराव में कुछ पुलिस कर्मचारी जो कह सकते हैं जख्मी भी हुए थे और इसी के चलते अब पुलिस की ओर से लगातार उन लोगों को वहां पर रोक लिया गया है और अभी पुलिस की ओर से उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप वहाँ जहाँ से चले जाएँ आपको आगे परमिशन नहीं दी गई है प्रदर्शन करने की। धारा 163 इस पूरे एरिया में लागू कर दी गई है, आप आगे ना जाएं। वहीं पर कह सकते हैं जहां पर जो लोग हैं लोगों की भीड़ है वहां पर है और दूसरी पर साइड आप इस बिल्डिंग के ऊपर देख सकते हो पुलिस की ओर से इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर भी कह सकते हैं कि निगरानी रखी जा रही है कि कहीं लोग जहां से एक भीड़ जहां से ना आ जाए तो उसके लिए रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से जा रही। तो कमलदीप हमारे सहयोगी वहां से ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। जैसा कि कमलदीप ने बताया कि प्रदर्शनकारी पीछे तो हट गए लेकिन वो बीच सड़क पर बैठ गए, वो कह रहे हैं कि हमारा ये प्रोटेस्ट हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 100 मीटर की दूरी तक यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे मस्जिद से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, पुलिस ने उनको रोका, प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां पर बैरिकेड्स को भी तोड़ डाला गया। उसके बाद पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ वहां से पीछे हटी लेकिन कुछ ही मीटर की दूरी पर भीड़ जाकर वहां बैठ गई है और प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है जिसमें कई पुलिस वालों को चोट भी आई। आज यहां पर धारा 163 लागू है, कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों को झुकने की मनाही है, इसके बावजूद यहां पर प्रोटेस्ट हुआ। ढली सब्जी मंडी के पास जो टनल है वहां पर पहले प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड देखिए देखिए दो सीनियर अधिकारी और पहुंचे हैं, आईजी पहुंचे हैं जहां पर जेपी सिंह और उसके अगर बात की जाए डीसी ही वहां पर पहुंचे हैं। उनकी ओर से खुद स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि कैसे स्थिति को पूरा कंट्रोल किया जा सके, लोगों को जहाँ से कैसे भगाया जा सके, इसके लिए ये दो जो सीनियर अधिकारी और कह सकते हैं कि आईजी रैंक और डीसी जो कह सकते हैं जहां पर पहुंचे हैं उनकी ओर से अभी बातचीत के जरिए जो कह सकते हैं इसका रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि बातचीत कर लोगों को शांत किया जा सके, लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है उसको रोका जा सके, लोगों को आगे जाने से किस हिसाब से रोका जा सकता है उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हो डीसी और एसएसपी आपस में बातचीत कर रहे हैं और वहीं पर कह सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो उनकी ओर से वो बैरिकेटिंग कह सकते हैं कि बैरिकेटिंग की जो लेयर है उसको और मजबूत कर दिया गया ताकि अब आगे ना आ पाए, जितना वो आना चाहते थे उतना वो आगे है, इसके आगे वो ना ही मस्जिद के बिल्कुल पास ना पहुंच पाए, इसको रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से की जा रही है और लगातार जो कह सकते हैं कि दंकल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसके अलावा एम्बुलेंस जो है वो जहाँ पर लगातार पहुँच रही है क्योंकि भीड़ में काफी बार होता है कि भगदड़ मच जाती है, आग लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है तो उसको रोकने की प्लानिंग के तरफ से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ओर से जहां पर कह सकते हैं कि जो पहुंचे सामने आप देख सकते हो एक व्यक्ति है जो फट इसमें जख्मी हुआ है, उसको घायल हुआ है, उसको जहां से लेकर जाया जा रहा है एम्बुलेंस के मदद से उसको। आप जहां पर शांतपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करें और आप कानून को अपने हाथ में ना लें, ये अपील लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से कल रात से की जा रही थी कि आपको परमिशन नहीं दी गई है प्रदर्शन करने की, आप उसको चीज़ को अपने कंट्रोल में ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, पर फिर भी
कह सकते हैं कि जब पहले बैरिकेडिंग की लेयर लगाई गई थी उस समय एक जो भीड़ है कह सकते वो इकट्ठी होनी शुरू हुई थी, और उस समय कह सकते हैं कि जिस समय भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई थी उस समय के बाद कह सकते भागते हुए नजर आए थे। और एक सामने आप तस्वीर देख सकते हो पुलिस प्रशासन की ओर से ड्रोन के मदद के जरिए जो पूरी निगरानी रखी जा रही है, इस पूरे मैटर को देखा जा रहा है। जो वो सीनियर अधिकारी है उनकी तरफ से कह सकते हैं कि एक एक मिनट की अपडेट है जो जहां से ली जा रही है कि किस हिसाब से जहां पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। आप देख सकते हो दो ड्रोन जो जहां पर लगाए गए हैं, एक ड्रोन जहां पर लगाया गया है, एक ड्रोन इसके पीछे लगाया गया है, जहां पर कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से लगातार कह सकते इस पर नजर रखी जा रही है कि कंट्रोल कैसे की जाए। स्थिति का मायना सीनियर अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है, पर लगातार जो कह सकते कि इस मस्जिद का मामला है जिस पर लगातार जो कह सकते कि हिंदूवादी लीडरों की ओर से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है। 2 से 3 मंजिल तक की जो परमिशन मिली थी पर अभी तक इस 5 मंजिल का निर्माण कर दिया गया है, इसको हटाया जाए, ये डिमांड लगातार कह सकते हिंदूवादी लीडरों की ओर से की जा रही है। Zini